Hello viewers, this is Dr. Aisha Faizan. I'm a consultant dermatologist and practicing cosmetologist at West Avenue Medical Center. पिछले वीडियो में हमने पीरियो थ्रेड्स के बारे में ये डिस्कस किया था कि कितने टाइप के थ्रेड्स होते हैं एंड उसके कहाँ कहाँ यूजेस रहते हैं. इस वीडियो में हम वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बिफोर एंड आफ्टर इंस्ट्रक्शंस और जो पॉइंट्स हमारे मिस हो गए थे पिछले वीडियो में हम उसको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि ट्रीटमेंट कराने से पहले आपको क्या इंस्ट्रक्शंस लेना चाहिए. तो आपको सबसे पहले ये है कि यू हैव टू अवॉइड अल्कोहल एंड स्मोकिंग ताकि आपकी रिकवरी अच्छे से हो पाए. सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि आपको जो भी ब्लड थिनिंग एजेंट्स आप ले रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एनी सप्लीमेंट्स लाइक जिनसेंग हो गया, वाइटामिन ई हो गया है एंड इवन इफ यू आर डेली कंज्यूमिंग ग्रीन टी तो उसको भी आपको डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा एटलीस्ट एक हफ्ता पहले. एंड कोई भी एस्पिरिन बेस्ड प्रोडक्ट्स आपको डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा अगेन वन वीक बिफोर. जिस दिन आपका ट्रीटमेंट रहेगा तो उस दिन हम क्या करेंगे कि सबसे पहले आपके फेस पे नंबिंग क्रीम अप्लाई कर लेंगे फॉर एटलीस्ट 45 मिनट्स. तो उससे क्या आपको जो एरिया हम ट्रीट करने वाले हैं वो सुन हो जाता है एंड उसके बाद में आफ्टर 45 मिनट्स वी आर गोइंग टू न्यूट्रलाइज इट एंड जहाँ जहाँ हम वो थ्रेड्स इंसर्ट करने वाले हैं चाहे वो पीडियो कॉक थ्रेड्स हो या फिर नॉर्मल मोनो थ्रेड्स या स्क्रू थ्रेड्स जो भी थ्रेड्स हम इंसर्ट करने वाले हैं सबसे पहले हम उसको मार्किंग करते हैं एंड जो मार्किंग हम करते हैं वी कॉल इट एज वेक्टर्स. तो हम वेक्टर की मार्किंग करते हैं फेस पे एंड उसके बाद में ही हम उसका जो ट्रीटमेंट है स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि प्रोसीजर को कितना टाइम लगता है. तो प्रोसीजर को इट डिपेंड्स अपॉन कि हम कितना थ्रेड्स डाल रहे हैं. वैसे तो अगर एक पीडियो मोनो थ्रेड या फिर एक पीडियो स्क्रू थ्रेड अगर आपको डालना है तो इट हार्डली टेक्स फ्यू सेकंड्स एंड अगर हम कॉक थ्रेड्स डाल रहे हैं तो इट माइट टेक हाफ अ मिनट. उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इफ यू गोइंग फॉर 20 थ्रेड्स कितना टाइम लगेगा, इफ यू गोइंग फॉर 50 थ्रेड्स कितना टाइम लगेगा, इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर फुल फेस रेजुवेनेशन इन योर ऑप्टिंग फॉर 100 मोनो थ्रेड्स कितना टाइम लग सकता है. तो इट्स ऑल अ वेरी शॉर्ट प्रोसीजर. वेर इज कॉक्स को इट वी जनरली स्टार्ट 4 थ्रेड्स ऑन वन साइड एंड 4 थ्रेड्स ऑन द अदर साइड विल शो इंस्टेंट रिजल्ट्स एंड जिसकी इफेक्ट आपको मैक्सिमम पीक जो रिजल्ट्स रहते हैं वो 3 मंथ्स में आपको दिखता है. जनरली ट्रीटमेंट कराने के बाद में फेस पे कुछ इतना दिखता नहीं है. जो एंट्री पॉइंट्स है स्पेशली इन पीडियो कॉक थ्रेड्स तो वो दिख सकते हैं एंड ब्रूजिंग तो जनरली पीडियो थ्रेड्स में इट्स ऑलमोस्ट जस्ट 1%. मतलब कि 99% ऑफ द केसेस में ब्रूजिंग नहीं होती है बिकॉज हम कैनुलाज यूज़ करते हैं. तो कैनुला जब हम यूज़ करते थे अब ब्लंट एंड अगर कोई ब्लड वेसल सामने आता भी है इन फ्रंट ऑफ द कैनुला सो द कैनुला विल जस्ट द ब्लड वेसल्स विल जस्ट स्लिप and the cannula will not penetrate. So इसीलिए bruising almost nil रहता है when we do a PDO cog thread lift. Whereas अगर हम mono threads या spring threads use कर रहे हैं so they are actually in the form of needles. तो हाँ उसमें chances of bruising हो सकता है but हम जो medications देते हैं उससे वो bruising काफ़ी जल्दी dissolve हो जाता है. आप भी ice pack application कर सकते हैं घर में every 4 hourly. That will also help in dissolving जो bruising रहता है. जब हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तभी हम आपको एक पेन किलर खाने के लिए बोल देते हैं. आप घर से निकलने के टाइम आप खा के आ सकते हैं. आफ्टर द प्रोसीजर जनरली हम सिर्फ सनस्क्रीन मॉइस्चराइजर लगा के आपको भेज देते हैं. आपको घर जाके कंफर्टेबल रहना है. यू हैव टू अवॉइड टॉकिंग और यूजिंग योर मसल्स फेशियल मसल्स अ लॉट स्पेशली फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स. आपको कुछ भी हैवी एक्सरसाइजेस नहीं करना है या कुछ हैवी वेट यूज़ नहीं करना है. ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि जिससे कि आपको जो हेड का लेवल है इट विल गो बिलो योर हार्ट लेवल. तो ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करना है. मे बी आपको इनिशियली जो है ना सॉलिड फूड कंज्यूम करने में थोड़ी तकलीफ जा सकती है. सो यू कैन ऑफर सम सेमी सॉलिड या सॉफ्ट फूड्स या फिर लिक्विड डाइट आप कर सकते हैं फॉर द इनिशियली वन डे. जनरली हम पेन किलर्स देते हैं फॉर यू टू कंज्यूम फॉर वन वीक एंड बियॉन्ड दैट भी अगर आपको ज़रूरत है तो मे बी आप इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट 2 टाइम्स अ डे यू कैन जस्ट टेक इट वंस अ डे. तो इससे आपका जो जर्नी रहेगा ऑफ रिकवरी वो काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएगा. आपको जो है जैसे भी इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जाते हैं आपको पूरे फॉलो करना है. आपको कोई भी च्युइंगम नहीं खाना है, कोई फेशियल मसाज नहीं करना है, फेस को रब नहीं करना है टॉवल से आफ्टर यू वॉश योर फेस एंड बेंडिंग स्टूपिंग वगैरह एक्सरसाइज ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है. शैम्पू भी आप एटलीस्ट 2 डेज अवॉइड करेंगे. आफ्टर ऑन द थर्ड डे आप शैम्पू कर सकते हो. एक और चीज़ ये है कि पहले 2 से 3 हफ्ते आपको अपना जो फेस है उसको टाई अप करना है. यू कैन टेक एनी स्कार्फ एंड आपको फ्रॉम द जॉ एंड बिलो आपको यहाँ पे इसको टाई करके आपको सोना है. इसके स्पेशल फेस लिफ्ट मोरी से बैंडेजेस भी मिलते हैं जो आपको ऑनलाइन इजीली अवेलेबल है ऑन अमेजोन और एनी अदर वेबसाइट. तो आप वो भी परचेज कर सकते हैं और एल्स अ नॉर्मल स्कार्फ विल ऑल्सो डू. तो रिजल्ट्स आपको कब दिखते हैं? रिजल्ट्स आपको इमीडिएटली भी दिखता है. यू कैन डेफिनेटली सी द इम्प्रूवमेंट इन नेजोलेबियल फोल्ड. अगर किसी को कुछ हॉलोनेस से बिल होती है दैट ऑल्सो गेट्स इम्प्रूव्ड इमीडिएटली आफ्टर द ट्रीटमेंट.
aqua to jawline defining hair and all that also, you can see a lot of improvement in the face and tightness aapko immediately samajh mein aata hi hai. And the peak results of the procedure aapko 3 months mein milta hai, and uske results rehta hai 1 to 1.5 years mein. And how to prolong the results, you can do like top up mono threads. Agar aapne cox kiya hai, so you can do top up mono threads in between. And agar aapne mono threads kiya hai, maybe you can repeat it in 6 months. If you've got 50 threads in the first session, maybe in the next session you might just require 30 threads. So all that can be assessed after you consult a dermatologist. I hope this video was informative for you. फिर भी अगर कुछ छूट गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स पे बिलो मेंशन कर सकते हैं. I will try to answer those questions. Thank you for watching the video and please like, share अगर आपको पसंद आया होगा video, and do subscribe to our YouTube channel. Thank you.